बिलासपुर सदर थाना क्षेत्र के तहत बूट गांव में कुछ लोगों ने गुग्गा जहरपीर की कार करने आए युवक की बुरी तरह के साथ मारपीट की, जिससे वह युवक चलने फिरने से भी लाचार हो गया। पुलिस ने बहरहाल घायल युवक की मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज शिकायत में घायल युवक सुभाष की मां रामप्यारी पत्नी जगदीश निवासी तेरेड़ ने बताया कि उनका बेटा सुभाष सीधा सा है। विगत 5 अगस्त को बूट की तरफ गुग्गा की कार करने जा रहा था। उसने एक घर में पीने के लिए पानी मांगा था। उस घर की एक महिला ने उनके बेटे पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया तथा वहां कुछ लोगों को एकत्रित कर लिया व उसकी डंडों से बुरी तरह मारपीट की। इस मारपीट के निशान उसके शरीर पर बुरी तरह से पड़े हुए हैं। इस मारपीट के कारण उसका चलना फिरना तक मुश्किल हो गया है। रामप्यारी ने बताया कि वे अपने साथ मेंबरशिप देई को भी ले गई थी, तब भी उनके बेटे सुभाष के साथ गाली गलौज कर रहे थे। उन्होंने पुलिस विभाग से इस मामले की जांच करने व बुरी तरह से घायल बेटे का मेडिकल करवाने की मांग की है। ASP अमित शर्मा ने कहा कि इस मामले पर सदर थाने में FIR दर्ज हो चुकी है तथा मेडिकल करवा दिया गया है। नियमानुसार कार्यवाही जारी है। और मैं ड्यूट का रहने वाला हूँ और ये मेरे साला है और ये कल वैसे मेरे पास काम करते हैं डेली। और इन्होंने कल बोला कि मैं गुग्गा जहरपीर की कार करने के लिए एक दिन के लिए जा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, जाके आओ भी, आप कर लो भी एक दिन। फिर गया है कार करने के लिए। तकरीबन कोई 3-3:30 बजे इसने मतलब इसके फ़ोन से घर पर फ़ोन आया कि आपने जो जो आपका लड़का है उसने भी हमारी बहू के साथ भी छेड़खानी की है। और उसके बाद मेरे को पता लगा और मैं थाना बिलासपुर में गया। तो वहाँ पे गया तो उन्होंने पहले ही फ़ोन किया हुआ था। तो पुलिस, मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे, और उन बंदों ने ऐसा बोला कि हमने रस्से के साथ इसको बांधा हुआ है और अगर आप 5 मिनट में नहीं पहुँचते हैं तो हम इसे ख़त्म करके झील में फेंक देंगे, नदी में वहाँ पे फेंक देंगे। और जब घर वालों ने भी मतलब लेडीज़ों ने घर से बात की उनके साथ, तो उनके साथ गाली गलौज की उन्होंने। और मेरी वाइफ़ को उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ निकाली। मेरी वाइफ के प्रेग्नेंट है, उसको डंडे के साथ वो कर रहे थे, मतलब टॉर्चर कर रहे थे। और इसका जो पैंट थी सुबह हमने बढ़िया करके दी थी इसको, सिर्फ ये था कि इसकी जो जीप थी वो थोड़ी ख़राब थी तो ये पहन के चला गया था, लेकिन बटन था इसमें, लेकिन कहीं रास्ते में अगर टूट गया होगा। इसने पकड़ी थी, इसको बांधना नहीं आता और इसने मतलब वहाँ पे गया होगा तो उनसे पानी मांगा तो पैंट ही पकड़ी हुई थी इसने। और उन्होंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने हमारी बहू के साथ छेड़खानी की है। और जब वहाँ पे गए तो वो मतलब वहाँ पे पहुँचे तो पुलिस के सामने भी उसने गालियाँ निकाली, औरत थी उसने, फिर भी मतलब जब घर वाले वहाँ पे पहुँचे तब भी इसको थप्पड़ मारे। पुलिस से हम ये चाहते हैं कि पुलिस इस केस में कार्रवाई करे और इसकी पूरी छानबीन करे। और बहुत बुरी तरह से इसको मारा है और इसको जिन्होंने भी इसको मारा है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो है सदर थाना बिलासपुर में FIR रजिस्टर हो चुकी है, जो जिसको चोट लगी है व्यक्ति को उसका मेडिकल कराया गया है। जो आगामी कार्रवाई होगी वो मेडिकल के आधार पर जो भी इसमें एक्सपर्ट डॉक्टर लिखे देंगे उसके अनुसार की जाएगी। मामला दर्ज है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।